कार्टून्स का ये वाला वीडियो देख के लगा हाई बहने कितनी खराब होती है ना। अबे तू कौन है? तुम्हारी छोरी छोरियों से कम है के? भाइयों की ताकत अंडर एस्टिमेट मत करो, स्पेशली छोटे भाइयों। और अगर तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मेरे पास शैतान बड़े भाई भी है, बट उनको कब रुकना पता है। मतलब लाइक उनमें थोड़ी बहुत दया है, बट मेरे छोटे भाई की इविल लेवल इन्फिनाइट है, लिटिल इन्फिनाइट। सबसे पहले इस महापुरुष को जान लीजिए, इसका नाम इस वीडियो के रख लेते हैं ये वाला बबनी। हाँ ये वाला, ये बुलडॉग और मेरा भाई सेम ही तो। ओके कोई नहीं गाइज, मेरे भाई भगवान है सच में, ऐसा भाई सबको मिलना चाहिए ताकि उन्हें भी इसे झेलने के। तो मैं इतना शुद्ध बच्चा नहीं हूँ कि मैं अपने भाई को बिल्कुल परेशान नहीं करता हूँ, ये बात तो तुम जानते ही होंगे। तो मैं भी उसे काफी परेशान करता हूँ, कभी कभी करता हूँ नॉटो डे के साथ। भैया मेरे हाथ पे पेन की इंक गिर गई, ऐसा लग रहा हाथ की नस पे नस चढ़ गई। अब वो नहीं निकलेगी है ना। इस पॉइंट पे मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट कुछ भी लिखे जा रहा हूँ। डोरिटो का नया पेन जो मिल गया है। तो मैं थोड़ा मोटा हूँ, हल्का सा मोटा हूँ। एंड ये रहा मेरे भाई और चींटी का कंपैरिजन। जब तो ये बंदा, चल ठीक है तू ही बता अपने बारे में। मैं सबसे स्मार्ट और अच्छा भाई हूँ। कितना झूठ बोलेगी अब? अबे लड़की किसको बोला? हाँ तो मैं किधर था? आप बता रहे थे आप बेड में सो कर। हाँ तो एक बार ना मैं बेड में, तो ये मोटे मोटे छोटे छोटे बंद करते हैं। आते हैं मेरे भाई के कार्ड, मतलब मेरे भाई की एपिक कहानियां सुनने। तो सबसे पहली कहानी, अभी हम एक मंथ पहले होम टाउन गए थे, मैं फोन चला रहा था और मेरे भाई पॉप को चिढ़ा रहे थे। क्या तुम्हें टक्कल करवाना है? नहीं, फिर तो तुम्हें कल ही बाल कटवाने पड़ेंगे। तेरी तो तुम लोगों ने पॉप को फिर से चढ़ा है, कितनी बार समझाती हूँ तुझे। और बाकी नॉट रियली बाय द वे, तूने इसको क्यों परेशान किया? हाँ देखो, इतनी बार समझाया है, कितनी बार समझाया। और समझा तू तो सबसे बड़ा नमूना है। हाँ मैंने तेरे को कितनी बार बोला है इसे गंदी लैंग्वेज मत सिखा, गंदी लैंग्वेज मत सिखा, पर नहीं, क्या बोला, क्या बोल रहा है अभी बड़े भाई बहनों को? तेरी तो अच्छा, रुक अभी आ तू इधर। पर उसने तो कुछ किया ही नहीं। बहुत मार खाने? नो ब्रो, एकदम मार ठूसी है मैंने, मार ठूसी है सही में। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि। और बाद में मैंने मम्मी को बताया कि मेरी कोई गलती थी नहीं, और सारी मार उस पागल बॉब को। कंट्रोल कंट्रोल, बट इससे मैंने सिंपैथी गेन कर ली। अच्छा एकदम थारा भाई जोगिंदर, बट ये अकेली बार नहीं है, मुझे बहुत बार ऐसे बेकार की मार पड़ते ही रहती है इस नराधम की वजह से। एक दिन इसने मेरे बड़े भाई को एकदम गलत जगह पे क्लीन बोल्ड किया था मेरे भाई, नहीं मतलब एपिक एकदम जसप्रीत बुमराह मोड चले गया था मेरा छोटा भाई। एंड उससे उन्हें बहुत ज्यादा लग गई थी, बट गेस व्हाट, उस दिन भी मन मैं नहीं था। चलो आज के दिन इस रावण के भाई को माफ करते हैं। बॉब, अरे बैग उठा बॉब, तुम मेरी हर बात को बॉब, मैं तुम्हें चाटा मारूंगी बॉब। क्या तुम्हें टक्कर करवाना है? तो जब मैं आउट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले आउट रिकॉर्ड किया था वो गायब हो गया है, पता नहीं कौन लेके गया, शायद रावण का भाई लेके गया। तो एनीवेज थैंक यू सेनपाई रेंगो फॉर द फैन आर्ट, तुम हमेशा फैन आर्ट भेजते हो, ये बहुत कूल बात है, मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। पर मुझे जिस चीज से खुशी नहीं मिलती है कि मैं तब से 378 पे अटका हुआ हूं, तुम लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो और मेरे अभी भी 400 नहीं हुए। अब मैं सच बोल रहा हूँ, जब तक 400 नहीं होंगे तब तक मैं वीडियो नहीं डाला, भले ही 2 साल लगे 3 साल।
अब तुम्हारी मर्जी है, 400 करवाओ या 900। बस मैं बस इतना ही वार्निंग देना चाहूंगा कि लाइक दिमाग खराब हो जाता है जब तुम इतने मेहनत करके वीडियो बनाओ और रिस्पॉन्स कितना, अबे भाई 5 व्यू और देखता भी कौन है, मेरा भाई लाइक सच में। तो या सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू अ लॉट फॉर एनिमेशन वाइब्स फॉर द कोलैब, मुझे इससे बहुत खुशी मिली। तो या थैंक यू, मैं मिलना नहीं, तब तक के लिए।